हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बात के लिए प्रश्न पूछे नहीं, बात नहीं। के लिए नीचे बैठे रिकॉर्ड नहीं होगा, प्रश्न पूछे मान सकते बैठे रिकॉर्ड नहीं होगा, प्रश्न पूछना आपको आई की व्यवस्था है क्या? आप वापिस जाके बोल ले, कोई तकलीफ नहीं है, पीछे जाके बोल ले, पीछे जाके बोल ले मान सदस्य, ये चर्चा नहीं होगी, रिकॉर्ड नहीं होगा, अब रिकॉर्ड नहीं होगा, पीछे जाके पूछ ले, प्रश्न पूछना आपको, आपको प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछना आपको, प्रश्न पूछना है, तब बढ़िया अगला प्रश्न, बैठे आप नीचे बैठे आप, नहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, नीचे बैठे आप, अगला प्रश्न बेटा प्लीज, आपको बोल रहे पीछे जाके बोलिए, आप नहीं बोल सकते पीछे जाके प्रश्न में, आपके पास वाले हम नहीं बोल सकते, रिकॉर्ड नहीं होगा और प्रश्न नहीं होगा, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बैठे आप, रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं, बैठे आप बैठे, आई विल नेम यू, आई विल नेम यू, आप बैठे सीनियर आदमी बैठे प्लीज, बैठे मैं आप आऊँगा, आई एम ऑन लेग, बैठे आप, आई एम ऑन लेग, आई एम ऑन लेग, बैठे आप, आई एम ऑन लेग, प्लीज बैठे आप, बैठे प्लीज आप, बैठे प्लीज आप, बैठे आप, गलत ट्रेंड नहीं करा, मंत्री रहे हुए आपको तकलीफ है, बात पूछ सकते थे, आपको प्रश्न पूछना है, आपको प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछना है, आप बैठे बैठे नहीं बोलेंगे, आपको प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछना है, पीछे जाके बोले सीट पर, माइक पर बोले पीछे, पीछे वाली सीट पर माइक पर, आप बैठे बैठे, रिकॉर्ड नहीं होगा, अगला प्रश्न नहीं, प्रश्न नहीं होगा, दोनों प्रश्न नहीं होगा, आप डिक्टेट करेंगे मुझे तो मैं कहीं जाऊँगा, आप प्रश्न अगला बैठिए, आप हाँ बैठिए, नहीं नहीं रिकॉर्ड नहीं रिकॉर्ड होगा, बैठिए आप, अगला प्रश्न श्रीमती संत, हाँ मनमानी बैठे आप, बैठिए आप बैठिए, आई विल से आई नेम यू, माने मन माने चीफ चीफ चीफ, आई विल नेम यू, आई विल नेम, आई विल नॉट टॉलरेट इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट, आई एम सेइंग इट, आई विल नेम यू, आप आई विल नेम यू मिस्टर, आई विल नेम यू, मैं आपको फिर कह रहा हूँ माननीय सदस्यगण, मुझे बहुत खेद है और मैं बहुत हर्ट फील करता हूँ कि माननीय सदस्यगण नियम और उसका पालन नहीं करते हैं, कोविड के कारण सबको मालूम है कि हमने बैठने की व्यवस्था इस तरह से की है कि सभी सदस्य उसमें आके बैठ सकें, सभी पार्टी के नेताओं को ये मालूम है कि हमने एडिशनल सीट्स क्रिएट की जहां माइक की व्यवस्था नहीं है, और ये सबको पार्टी को ये मालूम है कि बैठने की व्यवस्था अध्यक्ष महोदय नहीं करते हैं, ये गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है, बैठने की व्यवस्था पार्टी के चीफ व्हिप अध्यक्ष को सौंपते हैं, मैंने किसी की बैठने की व्यवस्था नहीं की, कहाँ बैठे कोई बैठे, ये बैठने का काम पार्टी का है कि किस सदस्य को किस जगह पर उनको अलॉटमेंट करना है, अध्यक्ष उसको एंडोर्स करता है, और हमने सभी पार्टी के चीफ व्हिप को कहा है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सीटों पर माइक नहीं है, इसलिए हमने कहा था कि वो पीछे जाकर अपने माइक पर अपनी बात कह सकते हैं, मैं अपेक्षा कर रहा था कि पार्टी के व्हिप अपने अपने सदस्य को इस बात के लिए जानकारी देंगे, मुझे खेद है कि एक माननीय सदस्य जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो सदस्य सदन की इस कार्रवाई को अपने चीफ व्हिप की डायरेक्शन के बाद भी नहीं करना चाहते, मुझे दुख है, न मैं बैठने की व्यवस्था करता हूँ, न मैं ये व्यवस्था के संबंध में आपको पूरी तरह से जानकारी देता हूँ कि हम सदन को किस तरह चलाएंगे, तब हमने कहा है कि जिन जगह पर माइक नहीं हो उनके सामने कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि पार्टी के व्हिप की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने उस बारे में उस माननीय सदस्य को अवगत कराया होगा, यदि अवगत नहीं कराया गया और इस तरह से हाउस चलेगा तो मैं उसको टॉलरेट नहीं करूँगा, चाहे कोई नाराज हो चाहे कुछ हो, जब मैं एक प्रतिपक्ष के सीनियर लीडर को किसी चीज़ के बारे में निर्णय लेकर उनको निर्णय करने के लिए कह सकता हूँ, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि सरकारी पक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी नियम और कानून का उसी तरह से पालन करें जिस तरह के अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है, ये मेरे खेत का विषय है कि मेरे अध्यक्ष निर्णय करने के बाद भी जीरो आवर में और स्थगित प्रस्ताव में जहाँ हमने निर्णय किया गया कि कम से कम सदस्य की भावना को सुनने के लिए मंत्री बैठे रहेंगे, पर मुझे कहते हुए तकलीफ है कि मंत्री स्थगन प्रस्ताव और 295 में हाउस में नहीं बैठते, यदि हाउस की हम गरिमा नहीं बनाना चाहते हैं, अध्यक्ष की गरिमा नहीं बनाना चाहते हैं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आपने मुझे चुना है, आप मुझे हटा दें मुझे बहुत खुशी होगी, पर जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ मैं निर्णय निष्पक्ष रूप से चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो उन नियमों को लागू करने का मैं काम करूँगा, अच्छे को नाराज रखू, इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ संसदीय मंत्री जी से और पार्टी के व्हिप से कि कृपया आप अपने माननीय सदस्यों को बैठने की व्यवस्था आपने की है, आपको उनको जानकारी देने की उनके आगे माइक नहीं है तो आगे या पीछे खड़े होकर माइक पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष को ये डिक्टेट करा है कि मैं यही पर प्रश्न पूछूंगा, इस व्यवस्था को मैं टॉलरेट नहीं करूँ, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ
और मुझे कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। यदि आपको कठिन निर्णय पसंद नहीं है तो मुझे अध्यक्ष पद से हटा दें, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि सदन की गरिमा को हम रोज गिराना चाहते हैं, हम सदन की गरिमा को बढ़ाना नहीं चाहते, और सदन की गरिमा यदि गिरती है तो संसदीय लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हट जाएगा, और विश्वास हट जाएगा तो हम संसदीय लोकतंत्र में जन समस्याओं का निराकरण कर लोगों का विश्वास नहीं बना सकेंगे। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिबेट होती है, डिस्कशन होते हैं। मैं कोई पुलिस का थानेदार नहीं हूँ जो किसी को वारंट निकाल के ये अडर करो, डिसिप्लिन को आप ही के नियम और कानून के अंतर्गत सदन चलेगा तब सदन ठीक ढंग से काम करेगा। इसलिए मैं अपेक्षा करूँगा कि जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण सीन आज हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण सीन भविष्य में नहीं हो, और हम सब सदस्य नियम और कानून का पालन करें। नहीं है तो पढ़े इसको किसका आपको पढ़े। मैं अपने कोई मन मर्जी से नियम नहीं बना रहा हूँ, मैं लिबरल भी हूँ, लिबरल भी इस लेवल में हूँ कि जब इसमें लिखा हुआ है कि कोई प्रश्न एक बार आ जाए तो दोबारा सदन में नहीं आए, तब भी मैं प्रश्न की गंभीरता के आधार पर 295 स्थगन प्रस्ताव, स्थगन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तब भी मैं पकड़ना चाहता हूँ। हमने ये निर्णय लिया था, आप सबको मालूम है, पुलिस की डिमांड में सभी बोलना चाहते थे, पर कोई हमारे बजट के हेड को देखता नहीं है। इसलिए बिजनेस एडवाइजर कमेटी में हमने सब हेड को आइडेंटिफाई किया, हमने पुलिस की डिमांड डिस्कस नहीं कर रही थी, हमने ACP की डिस्कस कर रही, शिक्षा विभाग के अंदर के शिक्षा क्लास संस्कृति में हमने डेलिबरेटली हायर एजुकेशन को डिबेट करने का काम किया, हमने जनरल एजुकेशन को डिबेट करने का काम नहीं किया, क्योंकि सदन में जो अलग अलग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो विभाग में सब हेड बन गए हैं उस सेब के आधार पर यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो उस सब हेड की गंभीरता नहीं होगी। इसलिए हमने सोच समझ कर हायर एजुकेशन स्कूल के अंदर लिया, एक शिक्षा विभाग में लिया। माननीय गोविंद जी डोडा साहब ने, शिक्षा मंत्री जी, इनके मन में भी आया कि आप शिक्षा में क्या कर दिया।